लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉ एक ऐसी स्टेटमेंट जो हर के लिए वैलिड है। फ्रिक्शन का पहला लॉ इंपॉर्टेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसी भी बॉडी की उस बॉडी के नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है। तो मैंने कहा जी कैसे, सपोज करो आपके पास ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है। इस बॉडी का मान लो जो मास है वो 5 kg है, तो ऑब्वियसली इसका वेट क्या होगा, 5 into g mg 5g। अब ये एक फोर्स है, वेट एक फोर्स होती है। ये ब्लॉक ने इस ग्राउंड पे फोर्स लगाई 5g, तो इस ग्राउंड ने इस ब्लॉक पे फोर्स क्या लगाई, 5g। ऑब्वियसली एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ये एक्शन की फोर्स है और बदले में ग्राउंड ने जो फोर्स लगाई वो इसके रिएक्शन की फोर्स है। रिएक्शन को या तो आर या एन कैसे रिप्रेजेंट करो, ये फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। रीजन, क्योंकि ये जो फोर्स होती है वो ग्राउंड के हमेशा कैसे लगती है, नॉर्मल 90 डिग्री पे। अब क्योंकि बॉडी उड़ती तो है नहीं, ये बॉडी पड़ी है, उड़ तो रही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ना तो ऊपर की फोर्स बढ़ी है ना नीचे की फोर्स बढ़ी है, तो ऊपर और नीचे की फोर्स बराबर, तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बॉडी के सरफेस या ग्राउंड के सरफेस परपेंडिकुलर ही होता है। तो इस क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन कितना है, 5g। तो अगर मैं इसको यहां मूव करवाऊं तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ। तो यहां पर क्या आएगा, 5g। सिंपल है। लेकिन अगर मैंने इसका वेट 15g कर दिया, 15 किलो का ऑब्जेक्ट ले लिया, तो नॉर्मल रिएक्शन 15g बढ़ गया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 15g बढ़ गई। और क्योंकि हमें क्या सिखाया गया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंडेंट है, अगर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया तो फ्रिक्शन बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने वेट 1500g कर दिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और बढ़ गई। क्या मैं बोल सकता हूं, जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उतना ही उसका ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा, और उतनी ही ज्यादा क्या होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। आप एक काम करें, ये पेन ले लें, पेन को जमीन पर रख दें और इसको मूव करवाएं, एक मिनट में मूव होएगा। क्यों, इसका वेट कम है, ग्राम्स में है, बहुत कम है, इसका वेट कम है, इसका नॉर्मल रिएक्शन कम है, नॉर्मल रिएक्शन कम है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एक ऐसी फोर्स जो ग्राउंड बॉडी पे लगाती है और वो बॉडी के वेट के इक्वल अगर ऐसी बॉडी पड़ी है। तो अगर मैंने क्या बोला कि अगर इसका वेट कम है तो नॉर्मल रिएक्शन कम है, क्योंकि इसका नॉर्मल रिएक्शन कम है बिकॉज का वेट कम है, तो ऐसे केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम है। लेकिन अगर मैं वो लेक्चर स्टैंड लूं, बहुत भारी है ये लेक्चर स्टैंड, ये हिलेगा भी नहीं, क्यों, इसका वेट बहुत ज्यादा है, कम से कम 100 kg का है, 100 kg का, ज्यादा ही रहा हूं कहीं 100g। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा, इसलिए भारी ऑब्जेक्ट को हिलाना मुश्किल है। आप बहुत बड़ा बॉक्स ले लें, ट्रक जितना, उसको हिलाएं, हिलना दूर या सोच भी सकते हिलेगा, क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है। सोचिए फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, ट्रेन का पूरा डिब्बा पड़ा था आपके सामने बिना फ्रिक्शन के, पड़ा था रेस्ट पे, पता क्या करना है, ये भागता जाएगा, फ्रिक्शन है ही नहीं, रोकने की फोर्स ही नहीं, आप एक उंगली से उसको हिला सकते हो, फ्रिक्शन नहीं है ना, तो आराम से हिलेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करती है। अब नॉर्मल रिएक्शन वो कह रहा है कि ट्रेन के डिब्बे का तो बहुत बड़ा है, तो फ्रिक्शन तो बड़ी होनी चाहिए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करती, एक और फैक्टर पर डिपेंड करती है, और वो क्या है, हो गया नॉर्मल रिएक्शन के अंदर, सरफेस भाई, सरफेस रफनेस, मतलब कुछ भी ले लोगे, पाउडर ले लो, तेल ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब ट्रक है तो ट्रक, ऐसा फ्रिक्शन होएगी नहीं, अगर तेल गिर दोगे, ऑयल गिर दोगे, फ्रिक्शन होएगी नहीं। तो सरफेस के ऊपर, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा है, उसकी रफनेस कैसी है, तो रफनेस कैसी है, जितनी रफ सरफेस होगी उतनी ही फ्रिक्शन ज्यादा होगी, और जितनी कम रफ होगी फ्रिक्शन कम होगी, और रफ होगी नहीं अगर स्मूथ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो, चाहे ट्रक ले आओ चाहे ट्रेन का डिब्बा ले आओ, फ्रिक्शन ही नहीं बनेगी, तो एक उंगली से भी हिलेगा। दो फैक्टर हो गए, एक नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा सरफेस। अगर एक और केस इसमें पूछूं कि सपोज आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये लो ये इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, और ये रहा इसका
मान लो इसका जो वेट है वो 15 केजी है, ये लो फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ये लो। तो मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंडेंट है, तो बोलो यहाँ पर क्या लिखूँ सच दैट ये एंगल 30 डिग्री है, क्या आएगा नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी इसमें? 15 g। नीचे की फोर्स क्या है, क्या किया था हमने फोर्स चैप्टर में? 15 g साइन 30, याद है? तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? 15 g, गलत, cos 30। mg के कंपोनेंट्स हैं, सिखाया था, ठीक है? mg के कंपोनेंट्स हैं, पहला कंपोनेंट क्या है? 15 g। दूसरा कंपोनेंट क्या है? ये रहा। तो ऐसे केस में अगर ये 30 है तो ये क्या है? 30 है। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? ऐसे केस में इसका कंपोनेंट्स बनेंगे 15 g cos ऑफ 30 और नीचे के 15 g sin 30। अब क्योंकि ये ब्लॉक ग्राउंड पे यहां फोर्स लगा रहा है, तो बदले में ग्राउंड भी जो फोर्स लगाएगा वो सरफेस के साथ कहां पर होगा? नॉर्मल होगा। तो इस क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी? 15 g cos ऑफ 30। तो यहां पर क्या आएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू क्या? 15 g cos 30। समझ में आ रहा है यहां तक? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन 15 g cos 30 है। तो ऑब्जेक्टिव आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बॉडी के वेट के प्रोपोर्शनल है? यस कि नो? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या बॉडी के वेट के प्रोपोर्शनल है? यस कि नो? यस। तो अगर ये स्टेटमेंट सही है तो लॉ बनाने वाले ने ये क्यों लिखा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है? उसने लिखने को तो लिख सकता था कि भी वेट के प्रोपोर्शनल है। अगर बॉडी का मास 15 केजी है तो बोलो वेट कितना है? 15 g। लेकिन वो इंक्लाइन प्लेन में पड़ा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हुआ? 15 g cos 30 अभी किया हमने, तो वेट के प्रोपोर्शनल नहीं हुआ। क्योंकि बंदा कहता है मेरा तो वेट 15 g है जी, मेरे प्रोपोर्शनल का आया, आपने भी वैल्यू चेंज कर दी। इसलिए लॉ बनाने वाले ने ये नहीं कहा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेट पे डिपेंडेंट है, उसने कहा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो कभी ये नहीं लिखना और ऑब्जेक्टिव में मार्क भी नहीं करना कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेट पे डिपेंडेंट है ना, वो इनडायरेक्टली होगा, पर किस पे करना है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंडेंट है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो पहला लॉ क्या कहता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंडेंट है। दूसरा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में यहां एक कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट यहां पर क्या आता है? म्यू। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये रफनेस बताता है क्योंकि दो फैक्टर पे डिपेंड करती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक कोफिशिएंट रफनेस। रफनेस के लिए क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। किसी भी सरफेस का अगर म्यू ज्यादा है तो वो सरफेस रफ है, बहुत रफ है, तो म्यू बहुत ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगी, और अगर म्यू कम है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वेट से कोई चक्कर नहीं उसका, फिर अगर म्यू कम है फ्रिक्शन कम ही आएगी, और अगर म्यू जीरो है, तेल गिरा हुआ है इसके ऊपर, इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो है, जितना मर्जी नॉर्मल रिएक्शन ले लो तो भी फ्रिक्शन जीरो आएगी। क्लियर है यहां तक? तो फॉर्मूला बन गया F=μ×R। हम रफनेस निकालते कैसे हैं? ये क्वेश्चन में म्यू आपको गिवन होता है, आपको निकालनी नहीं होती, तो म्यू की वैल्यू इज ऑलवेज गिवन इन अ क्वेश्चन, आपको नहीं सोचना म्यू गिवन होगा। क्लियर है यहां तक? अब जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां पर 10 के जो वेट इसका 10 g है, नॉर्मल रिएक्शन आर है और म्यू सरफेस का 0.1 है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? μ×R, म्यू 0.1 है और नॉर्मल रिएक्शन क्या है? 10 g। आंसर क्या आ गया? F=μ×R। कोई डाउट इसमें? ठीक। अब फ्रिक्शन तो हमने कैलकुलेट कर ली, हमने ये भी कह दिया कि फ्रिक्शन की फोर्स ना जी डिपेंड करती है किसके ऊपर? फ्रिक्शन की फोर्स डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर और रफनेस के ऊपर। एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट और डीप में अगर स्टडी किया जाए आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ये देखो, ये आपके सामने ग्राउंड है, ये आपके सामने ग्राउंड है या अर्थ है, जो भी है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है। आप कहेंगे ग्राउंड ऐसा क्यों बनाया? ग्राउंड तो ऐसा बनता है नहीं, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ग्राउंड स्मूथ नहीं होता, उसमें खुदरापन होता है, तो ग्राउंड ऐसा होता है। और अगर आप ये कहो इसके ऊपर ऑब्जेक्ट ऐसे है ना, ऑब्जेक्ट की सरफेस दिखती प्लेन है? होती नहीं है प्लेन, तो
तो एक्चुअल में ग्राउंड भी टेढ़ा मेढ़ा होता है और जो ऑब्जेक्ट है वो भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको सरफेस रफ नजर आएगी, नीचे की भी और ऊपर की भी, कोई डाउट इसमें? तो मैं अपने हाथ से बनाता हूं, ये फ्लैट था, ये ऐसा फ्लैट था सरफेस, प्लेन था, प्लेन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा सरफेस ग्राउंड का, ऐसा होगा, देखो खुरदरापन है इसमें, ये ऐसे बना दिया मैंने, ये फिंगर बार निकाल दी जैसे, ठीक है, ये रफ है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक स्मूथ नहीं है, ब्लॉक भी रफ है। तो जब एक भारी ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट भारी आया, इंटरलॉक्स लग गए ग्राउंड में और ब्लॉक में, लॉकिंग हो गई, दब गया ना। और अगर हल्का ऑब्जेक्ट होगा तो कम दब रहा है, और हल्का होगा कम, रुई होगी दबेगा ही नहीं, अंदर जा ही नहीं रही। तो दबने का मतलब, इंटरलॉकिंग का मतलब है बॉन्ड्स बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाती है और प्रॉपर बॉन्ड तैयार हो जाते हैं। और जिसमें इंटरलॉकिंग ज्यादा है, जो भार ज्यादा लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन जिसका ज्यादा है इसके साथ, तो इंटरलॉकिंग भी ज्यादा स्ट्रांग होगी। इंटरलॉकिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी तो फिर क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी, ज्यादा दब जाएगा सरफेस। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो हम यहां पर माइक्रोस्कोप लेके ये नहीं देखेंगे इसमें 1 करोड़ बॉन्ड है, एवोगाड्रो नंबर लगा के कितने बॉन्ड बने उतनी फ्रिक्शन है। फिजिक्स वाले कहते भाई केमिस्ट्री छोड़ दो, वो हमने नहीं करनी, लॉ बना दिया, कहता है इसके डीप में मत जाना, इतनी डीप में मत जाना, वो कहता है कि इंटरलॉकिंग कैलकुलेट करने बैठे मत करो, मैं आपको म्यू दे देता हूँ, विश्वास रखो। फिजिक्स वाले कहते हैं म्यू ज्यादा है, इंटरलॉकिंग ज्यादा है, बात ही खत्म, रफनेस ज्यादा है, तो इतनी डीप में जाएंगे नहीं, पर बुक्स में ये थोड़ा मेंशन किया होता है इसलिए बता दिया। और ये भी मेंशन किया हो जाता है कि अगर मैं ग्राउंड की सरफेस ऐसी है टेढ़ी मेढ़ी, इसमें मैं तेल डाल दूं, ऑयल फिल हो जाएगा ऑयल इसमें, अब इंटरलॉकिंग करने की स्पेस ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, तो क्या होगा, बिल्कुल भर दिया तो ऊपर ऊपर से बॉडी खिसकती निकल जाएगी, फ्रिक्शन लो बिल्कुल कम, इसलिए हमारा पैर स्लिप हो जाएगा, गाड़ियां स्लिप हो जाती हैं क्योंकि अंदर इंटरलॉकिंग हो ही नहीं पा रही, अंदर तो आपने इसमें कोई हार्ड आइस डाल दी या तेल डाल दिया, कुछ भी कर दिया, तो फ्रिक्शन आपने काफी कम कर दी। ठीक है यहां तक?